गाइस आज सीन ये है कि हम लोग वॉक करके आ चुके हैं और सुबह सुबह का मौसम है, आज हम लोग जल्दी वॉक करने चले गए थे। अभी देखिए रात को बारिश हुई है, पानी की बूंदे अभी तक जमा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं चाहती हूँ जल्दी से लंबा हो जाए, बालकनी तक पहुँच जाए। हो जाएगा, धीरे धीरे हो रहा है हमारा प्यारा शो। और मॉर्निंग है प्यारी, पंछियों के फड़फड़ाने की आवाज़ आ रही होगी। हमारे प्यारे पंछी कबूतर हमेशा ही विद्यमान रहते हैं, उनको दाना डाला जा चुका है। अब देखिए सफाई वाले भैया भी आ गए हैं, अपना काम उस तेजी से कर रहे हैं। और मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है, ये देखो पहचान में आ रहा है। मैं तो आ रही हूँ, बिना मास्क के नहीं निकलना चाहिए। ओ देखना, मैं तो सेफ्टी रूल्स फॉलो करती हूँ। करो करो बिंदास करो। रास्ता रोक के खड़ा हो गया है, चल चल, हर वक्त हमारे साथ लगा रहता है। वेरी गुड, साइड में जाओ। अच्छे वाला कैमरा, ये फिर पीछे आ रहा है। हम दूध लेने जा रहे हैं, हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं आगे चलेंगे। जस्ट लाइक बॉडीगार्ड, आगे चल रहा है, चलने को यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कितना कीचड़ हो गया बारिश की वजह से, नहीं तो हमेशा रोड नीट एंड क्लीन रहती है। चलो चलो यश जल्दी चलो, ये फूल अभी पूरे नहीं खिले हैं, अभी 9 बजे के बाद खिलेंगे, तब देखना कितने खूबसूरत लगेंगे। ये सच है, हमारी कॉलोनी में नेचर बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैंने इतनी दूर रख के सिटी से घर लिया। हालांकि प्रॉब्लम तो होती है आने जाने में, लेकिन नेचर की वजह से, खुलेपन की वजह से, ताज़ी हवा की वजह से मैंने यहाँ घर लिया। पहले बाहर चलते हैं। ओके, गाय को रोटी देंगे। 9 बजे के बाद ये फूल ऐसे प्यारे लगेंगे खिले हुए, और तुम्हें पता है बहुत फ़ायदेमंद भी है ये जो फूल है, इन्हें सदाबहार, नौकुची बहुत सारे नामों से जानते हैं, और ये हर मौसम में खिल जाते हैं। आपको ऐसा इतने सारे नाम याद कैसे रहते हैं ये बताओ? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मेरे को तो आधा भी याद नहीं रहता। इनकी जो पत्तियाँ या जो डालियाँ देख रही हो ना, ये थोड़े थोड़े से कांटे से निकले हैं, इसलिए लोकल लैंग्वेज में इनको बिच्छू बेल भी कहते हैं। और कुछ बचे हैं? चलो बाहर चलते हैं, गाय को रोटी देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं सुबह सुबह मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, और ये हमारी कॉलोनी के थोड़ा सा आगे का सीन है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हमारे कॉलोनी के चौकीदार जी है, आपका नाम क्या है? दुर्गेश जी। और आप? नेहरू जी। और ये ओम भैया है, हमारी कॉलोनी की साफ़ सफाई इन्हीं की जिम्मे है। सुबह सुबह आप देख रहे थे ना, इतनी साफ़ सफाई चमक रही थी, और यहाँ पे कोई एंटर नहीं कर सकता है। चौकीदार जी हमेशा ध्यान रखते हैं, एंट्री करते हैं, कभी कभी तो मुझे भी नहीं पहचानते, तो मुझे भी पूछते हैं आप कौन से नंबर में जाओगे। और इन सब की मुस्तैदी की वजह से हमारी कॉलोनी इतनी साफ सुथरी लगती है, और हम इतने सुरक्षित रहते हैं। तो चौकीदार जी थैंक यू आपको, आपको भी थैंक यू, ओम भैया आपको भी थैंक यू। और आप मेरे वीडियो में आओ तो सब लोग देखेंगे आपको यूट्यूब पे कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग काम नहीं करो तो हम लोग नहीं रह सकते, आपकी वजह से हम लोग आराम से रहते हैं। सो गाइज आप ग्रीनरी देख सकते हैं, बारिश के मौसम में कितनी निखर के आ रही है। सुबह सुबह का टाइम, पीछे देखो। उसको अपने साथ ही रहना है। आप चलो देखो कितना खूबसूरत लग रहा है,
और एक शी फ्लावर देखो ये, हाँ इसका क्या नाम है, आपको सारी नॉलेज है। अभी फ्लावर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, चलो मंदिर में दर्शन कर लो बाहर से। हाँ अंदर तो अभी जाए नहीं हो, सही है। ईश्वर से प्रार्थना करें फिर आप दूध लें और घर पे चलें, बहुत सारे काम है, मेरी क्लासेस भी हैं, मेरी भी है। हे गाइस, वी आर वे बैक टू आवर होम बिकॉज सुबह सुबह काफ़ी सारा काम रहता है तो, और वॉक हमने सुबह ही कर लिया था। और आप देख सकते हैं नेचर कितना प्यारा लग रहा है, पीछे भी आप देख सकते हैं। मैं भी नेचर का पार्ट हूँ, मैं भी बहुत प्यारी हूँ। मी इसमें क्या, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ओहो ग्रेट डायलॉग क्वीन, सबको अपना फेवरेट होना चाहिए। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे दूसरे आपको थोड़े प्यार करेंगे। यार क्या बना रही है, सुबह से बता भी नहीं रही है। ओए मम्मा, क्या ऐशु आ रही हो तुम्हें? आ रही हूँ आ रही हूँ। मम्मी को कहने की क्या जरूरत है, हमेशा डांट पड़वाने की काम कर रहा है। अभी क्या नहीं क्या नहीं, हेलो फ्रेंड्स, यार रुको, खाने के लिए इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। वैसे भी आप सेलेक्टेड चीजें खाती हो और ये मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों अभी बारिश का मौसम है और भुट्टे बहुत अच्छे आ रहे हैं, हम लोग भुट्टे सेक के भी रोज खाते हैं। आज मैंने भुट्टे का बेसन बनाया है, बहुत टेस्टी है, नमकीन चटाकेदार, और इसलिए ये जीभ यहाँ जो लपलपा रही है ना वो, तो अब मैं खाऊंगी इसको। क्या आप क्या खाओगे, मैं खाऊंगी इसको मैं? खिलाना है, ये भी खाएगी पर मैं खाऊंगी। नमकीन चीजें बहुत पसंद है इसको, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अरे खूबसूरत, खुशबू भी अच्छी आ रही है, तो चले खाते हैं। टेस्ट करके बताइए कि ऐश कैसा बना है। मैं थोड़ा सा नींबू पे निचोड़ देती हूँ। यार नींबू सीधा मुँह में निचोड़ देना, अभी दो नींबू तुम्हारे मुँह में निचोड़ दूँ? अरे छोड़ दो, रूपर से ये खा लेना भुट्टे का बेसन। और आप इतनी देर से बना रहे थे इसको, तो बोल नहीं सकते। इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, मम्मा का नाम भी एक बार दबा रहे हैं ना। चलो खाओ, बहुत टेस्टी बना होगा, आई होप सो। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock, और जैसा कि आपने देखा दिन में हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद हम आराम से सो गए बिकॉज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बारिश आ रही थी बहुत बढ़िया वाली, इसलिए हम दिन में आराम से सो गए। और अभी थोड़ी देर पहले उठे हैं, टी टाइम था, तो उसके बाद हम लोग ऊपर आ गए। हमारा रूटीन है हम लोग शाम के टाइम ऊपर आते हैं बिकॉज यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। और दी, अभी आपको लग रहा होगा दी कहाँ है, ब्लॉग में नहीं दिख रही है, तो दी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। और मैं अपनी फ्रेंड से डेली कॉल पर बात नहीं कर पाती हूँ, वो नाराज़ भी जाती है। व्हाट्सएप पे हम लोग रोज़ रहते हैं बट कॉल पे बात नहीं कर पाती, वो नाराज़ भी जाती है, मान जाती, मनाना भी पड़ता है। बेस्टी आप लोगों को पता होगा दोस्तों को मनाना कितना मुश्किल होता है, बट फिर भी वो मान जाती है। सो अभी मैं टेरेस पे हूँ और काफ़ी प्यारी हवा चल रही है, तो अभी हम बस थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है। अप्रॉक्स 6 o'clock हो रहे हैं अभी, क्लॉक हो रहे हैं अभी, और अंधेरा होने वाला है। उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे, डिनर करेंगे, एडिटिंग कंप्लीट करेंगे, एंड देन We'll meet you. ओए, ओए दीदा, ओए, ये गाना देखा? ये नया कपड़ वाला? हाँ, डायमंड चल्ला, मस्त है ना? अभी रिलीज हुआ ना ये? नौरा का देखा? पछताओ देखा, वो फीमेल वाला? ऐसा लग रहा है वो ऊपर पहुंच गई। बढ़िया लग रहा है। हाँ देखा, लेकिन मेरी ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन तो माधुरी है, और अभी की हीरोइंस में मुझे कृति अच्छी लगती है। मेरी ऑल टाइम फेवरेट कृति है। कृति का वो गाना है ना लुका छुपी में, लॉन्ग में रही थी, लॉन्ग में रही थी, बहुत अच्छा लगा। अरे मस्त लगता है उसमें, उसका ड्रेस अप कितना प्यारा लग रहा है ना। बरेली की बर्फी में भी उसका गाना बहुत पसंद। वो कौन सा, नज़्म नज़्म, तू नज़्म नज़्म सा में, वो ऑल टाइम फेवरेट कौन सी, माधुरी? माधुरी मधुबाला की, मधुबाला भी है, मधुबाला वो मधुबाला है, माधुरी है, फिर अभी की हीरोइंस में देखे तो कृति है। और सेकंड फेवरेट अभी, सेकेंड फेवरेट अभी मैं नेहा कक्कड़, सिंगर में आ गई है तो ठीक है, उसके गाने भी अच्छे लगते हैं। और
क्या करना फेवरेट का, मैंने बताया ना मैं अपनी फेवरेट हूँ। आ गए अपनी वाली पे। लेकिन मधुबाला, मधुबाला की तो बात ही अलग है, उनकी खूबसूरती की तो क्या मिसाल दें। कृति, कृति आज की हीरोइन है, कॉन्फिडेंट है, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती है, एकदम क्लियर वॉइस है उसकी, अच्छी लगती है मुझे। बाकी नहीं इतना कोई मटेरियल नहीं है, नोरा का डांस अच्छा है, काफ़ी मेहनत करती है। नोरा से तो हम मिले हुए भी है ना। हाँ मिले ना, नोरा फतेही, नोरा फतेही से तो हम लोग मिल चुके हैं, कब और कैसे फिर बताएंगे कभी आपको। ये सॉन्ग अच्छा है, नेहा का तो वो अभी जो गाना था ना फोन में तेरी फोटो, डायमंड चल्ला भी निकला है, काफ़ी बढ़िया लगता है उसकी ट्यूनिंग वगैरह, बहुत बढ़िया है। और माधुरी तो ऑल टाइम फेवरेट है, उनके डांस मूव्स, उनकी एक्टिंग, उनकी सिंप्लिसिटी, सब कुछ मुझे अच्छी लगती है। आप कुछ बोलोगे नहीं, किसी भी रात टाइम देखा है 11, ये रोज 11 इतनी जल्दी कैसे बज जाती है? तो आप बताओ, मैं बताऊँ, ये ऐसे ऐसे बज जाती है। क्या है, आप मेरी बुक से छेड़छाड़ ना करें, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ। कहते हैं रास्तों में मॉर्निंग में स्कूल जाना है, 11 बज गई है, आई एम गोइंग टू स्लीप, गुड नाइट। कान मेरा स्पीकर, ओके ओके मैं लाइट ऑफ करके आती हूँ, आप इसे बंद करें। क्या थोड़ी देर फोन करेंगे, किसको बता दिया कि 11 बज गई? नहीं फोन दे दो यार, क्या प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स रियली लेट। आपको बताया टाइम मैंने है, मुझे पता चल जाता थोड़ी देर में, थोड़ी देर में वो देख क्या रहा कि ना थोड़ी देर 12 बजती उसके बाद पता पड़ता। नहीं हम नीचे शुरू प्लीज प्लीज यार क्या है, ये लो ये पकड़ो पकड़ो, ओके देन गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ये रोज करना है, और शेयर करें, और ये इनको भी लाइक करें थोड़ा सा, क्योंकि वैसे मेरे को डांटते तो बहुत ज्यादा है। कब डांटा? ओ अभी फोन छीना छीना, रिकॉर्डेड है कैमरे से, छीना ना भाई छीना, देखा बोलता। हाँ वो हाँ बोलता है, लेकिन वो सही बोलता है कि अब बच्चों को इतनी रात में फोन नहीं चलाना चाहिए। वो बोलता ही नहीं है, इसलिए गुड नाइट, बाय बाय।